श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही विशेष उपाय बताने वाले हैं। देखिए, आज है बुधवार का दिन, और बुधवार का दिन किसको समर्पित होता है? गणेश जी को। साथ ही साथ बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए और व्यापार अच्छा चले, इसके लिए आपको करना है बहुत ही खास उपाय, जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो आपको बुधवार के दिन करने हैं। और ये जो उपाय है, ये आप किसी भी बुधवार को कर सकते हैं, यानी कि आप यदि इस बुधवार को इस उपाय को नहीं कर पाते, तो आप अगले बुधवार को भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही खास और विशेष ये उपाय है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को भी समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, ये उपाय किन लोगों को करना है। देखिए, यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपकी बात को अनसुना कर देते हैं, तो बच्चों के बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए, उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए आपको विशेष कर ये उपाय करना चाहिए। ज़रूरी नहीं ये उपाय आप बच्चों के लिए करें। यदि आपके घर में अन्य सदस्य आपकी बात नहीं मानते हैं, जैसे आपके पति अगर आपकी बात नहीं मानते, तो आप उनके नियमित भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, किस प्रकार से करना है उपाय, आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए हमें दुर्वा घास की ज़रूरत होगी। इस समय जो मौसम है, इसमें दुर्वा घास आसानी से हमें मिल जाती है। आप किसी भी पार्क वगैरह से जा कर के दुर्वा घास को ला सकते हैं। तो हमें इस उपाय के लिए सबसे पहले चाहिए दुर्वा घास। तो देखिए, ये दुर्वा घास ये नहीं है कि आपको एक लानी है, दो लानी है, समझना, बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए, आपको ये दुर्वा 21 लानी है, यानी कि आपको जो एक बंडल आप तैयार करेंगे उसमें 21 दुर्वा घास होनी चाहिए। तो 21-21 के आपको 108 बंडल तैयार करने हैं, यानी कि आपको इकट्ठी काफ़ी सारी दुर्वा घास कर लेनी है, ले करके फिर आपको घर आ जाना है और आपको इसके बंडल तैयार कर लेने हैं। 21 का एक बंडल होना चाहिए, और ऐसे ही 21 के आपको 108 बंडलों को तैयार कर लेना है, ठीक है ना? तो देखिए, 21 दुर्वा घास आपने ले ली, इसके नीचे आपको जो कच्चा सूत आता है ना, वो आपको बांध करके इसका एक एक बंडल तैयार कर लेना है। ऐसे करके आपको 108 आपने बंडल तैयार कर लिए, ठीक है ना? तो देखिए, अब इसी के साथ आपको एक पुष्प ले लेना है, यानी एक आपको फूल भी ले लेना है, ठीक है ना? तो अब आपको ये 108 जो बंडल आपने बनाए ना दुर्वा घास के, ये और एक आपको पुष्प, ये सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर चले जाना है। देखिए, आपको ये उपाय गणेश जी के नियमित हमें करना है, यानी भगवान गणेश जी के हमें नियमित करना है। तो देखिए, आपको भगवान गणेश जी के नियमित कहाँ पे करना है, जहाँ पर भगवान शिव का पूरा परिवार विराजमान होता है ना, जहाँ पे आपने देखा होगा भगवान शिव की शिवलिंग होती है, वहाँ पर पार्वती माँ होती हैं, वहाँ पे गणेश जी होते हैं, कार्तिकेय जी होते हैं, माता शोक सुंदरी होती हैं और नंदी जी होती हैं, यानी पूरा शिव परिवार होता है। तो ऐसे मंदिर में जा कर के आपको उपाय करना है, जहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा हो पूरे शिव परिवार के साथ। तो आप ऐसे मंदिर में आ गए। तो देखिए, आप इस उपाय को सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। तो देखिए, आप मंदिर आ गए, अब आपको क्या करना है, समझना। तो जो आप एक पुष्प लाए थे ना, सबसे पहले आपको वो पुष्प लेना है और वो भगवान गणेश जी को आपको अर्पित कर देना है। तो देखिए, अब आपको ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, या फिर ओम गण गणपते नमः, इन मंत्रों में से, दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और उसके बाद जो 108 दुर्वा घास के जो बंडल लाए हैं ना, या तो आप उसको एक माला बना लीजिए, यानी कि उसकी एक माला बना के तैयार कर लीजिए,
वो आप गणेश जी के गले में आज के दिन विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो ये 108 जो बंडल बनाए हैं ना, ये आप उनके चरणों में अर्पित कर दें। तो इस प्रकार से आपको अर्पित करना है गणेश जी के चरणों में ये दुर्वा घास, नहीं तो आप इसकी माला यदि बना के लाए हैं तो वो उनके गले में पहना दीजिए। इस प्रकार से आपको अर्पित करना है और आपको ज्ञान विवेक बुद्धि की प्राप्ति हो आपके बच्चों को, आपके बच्चे बुद्धिमान बने, आपके बच्चे आपके बात माने, उनको ज्ञान विवेक बुद्धि की प्राप्ति हो, वो ज्ञानी बने। तो इस प्रकार से आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है इस बुधवार के दिन। तो देखिए इस प्रकार से आपने प्रार्थना कर ली, अब आपको क्या करना है, जो आपने गणेश जी को एक फूल अर्पित किया था ना जो आप लेके आए थे, तो अब आपको वो फूल उठा लेना है, यानी गणेश जी से आपको प्रार्थना करते हुए उठाना है और कहना है कि ये मैं आपके आशीर्वाद से अपने घर पर लेकर जा रही हूँ, आप मेरे बच्चों को ज्ञान विवेक बुद्धि की प्राप्ति दें, यानी कि उन्हें बुद्धिमान बनाएं और हमारे घर में सदा सुख समृद्धि बनाए रखें। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है और ये पुष्प को लेकर के आपको आज के दिन बुधवार के दिन अपने घर पर आ जाना है। तो देखिए आप घर पे आ गए तो आपको क्या करना है, ये पुष्प आपको एक कांच की कटोरी में रखना है और जहाँ कहीं भी आपका बच्चा जिस भी रूम में रहता है या जो भी आपकी बात नहीं मानता है या फिर आपका बच्चा जहाँ कहीं भी पढ़ता है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उस रूम में आपको इसको रख देना है और आपका बच्चा आपकी बात मानना धीरे धीरे शुरू कर देगा, वो उसे ज्ञान विवेक बुद्धि की प्राप्ति होगी। बस इस प्रकार से आपको इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आपके बच्चों से जुड़ी हुई, आपके घर परिवार से जुड़ी हुई जो भी समस्या होगी, वो निश्चित रूप से इस उपाय को करने से दूर हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारा उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए ये तो हो गया पहला उपाय, अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो देखिए बुधवार का दिन बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए होती है, यदि बुध ग्रह मजबूत होता है तो हमारे जीवन में ज्ञान विवेक बुद्धि की प्राप्ति होती है, हमारे बच्चे बुद्धिमान बनते हैं। तो अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाने के लिए, उनका भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए कि आपको एक मुट्ठी हरे मूंग के दाने ले लेने हैं, साबुत वाले होते हैं ना वो ले लेने हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हें आपको थोड़ी देर के लिए यानी जल में पानी लेना और उसमें भींगने के लिए रख देना। आप ये काम रात्रि में भी कर सकते हैं, वन नहीं तो आप एक घंटे के लिए भी रख देंगे ना, उतने में भी हमारा काम हो जाता है। तो आपको इन्हें थोड़ा सा भिगो लेना है, ठीक है ना, उसके बाद आपको इसका प्रयोग करना है। तो आपको क्या करना है, ये हरा मूंग जो आपने लिया है, एक मुट्ठी हरा मूंग, ये आपको आज के दिन किसी भी गौ माता को जा कर के खिला के आ जाना है। अगर आप लाल रंग की गौ माता को खिलाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, नहीं तो आप सफ़ेद रंग की जो गौ माता होती है ना उन्हें भी खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आप हरा मूंग का दाना जैसे नहीं है आपके पास, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप आज के दिन हरे रंग का कोई भी चारा, यानी हरा रंग का होना चाहिए, क्योंकि हरा रंग बुध ग्रह को अत्यधिक प्रिय है और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है। तो आपको या तो हरे रंग का चारा आज के दिन गौ माता को खिला देना है और इस प्रकार से आपको आज के दिन बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको इस प्रकार से उपाय ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके बच्चों के जीवन में ज्ञान विवेक बुद्धि की उन्हें प्राप्ति होती है, आपका जो व्यापार है वो व्यापार अच्छे से चलने लग जाता है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो बहुत ही विशेष और ख़ास ये उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।